नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल सेल्टेक वाटर। मैं हूं आपका दोस्त मधुकर कुमार। आज मैं आपको स्विमिंग पूल वैक्यूम करना सिखाऊंगा। ये सामने जो पूल दिखाई पड़ रहा है, इसके नीचे तली में मिट्टी बैठी हुई है। इस मिट्टी को हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे, और इसके लिए क्या प्रक्रिया है ये हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले पानी के अंदर फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी डालने के बाद 2-4 घंटे पूल को चालू करते हैं, जिससे फिटकरी पूरे पानी में घुल जाती है, और उसके बाद पूल को बंद कर देते हैं, और पानी स्थिर होने के बाद मिट्टी तली में बैठ जाती है। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है वैक्यूम करने की। वैक्यूम करने के लिए क्या प्लम्बिंग चेंजेज की जाती है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग स्विमिंग पूल के पंप रूम में आ गए हैं। यहाँ 2 पंप लगा हुआ है, एक फाउंटेन को चलाता है और एक स्विमिंग पूल को सर्कुलेट करता है। सामने एक सैंड फिल्टर लगा है जो स्विमिंग पूल के मिट्टी को साफ करता है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो 2 वॉल्व लगी है, ये जो वॉल्व है ये स्कीमर से आ रही है, ये वैक्यूम करने के समय बंद रहेगी, और ये जो सेकंड वाला है ये हमेशा ओपन रहेगी, क्योंकि ये वैक्यूम जब ये पूल चलता है उस समय ये बंद रहती है। और ये 2 पंप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद हम पंप को ऑन करेंगे, और पंप ऑन करने के बाद इसको या तो बैकवाश पे या वेस्ट पे मल्टीपॉट को रख देंगे। अभी ये फिल्टर पर है, अभी हम लोग इसको बैक वॉश, लेकिन चूंकि ज़्यादा गंदा है इसलिए वेस्ट पे रख दें। ये वेस्ट पे चला गया है। अब हम लोग स्विमिंग पूल के तरफ चलते हैं, और वहाँ पर ये हमारा वैक्यूम हेड है। अब इसको हम धीरे 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 गंदगी की तरफ लेते जाएंगे, और ये सक्शन करता रहेगा पाइप, और नीचे से गंदगी को ये फिल्टर में डालता रहेगा। लेकिन अभी हमारा वेस्ट पर है, तो वेस्ट पर क्या होता है कि पानी को ये टोटली ड्रेन कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है। यहाँ पे गंदगी 1/2 इंच से अधिक भरी हुई है, क्योंकि ये बोरिंग का पानी भरा हुआ है, और बोरिंग में मिट्टी बहुत अधिक आ रही है, तो वो मिट्टी नीचे सेटल हो गई है। आप ये देख रहे हैं वीडियो में कि जैसे जैसे ये वैक्यूम हेड मिट्टी के ऊपर जा रहा है, वो एरिया बिल्कुल ही क्लीन होता जा रहा है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही आराम से आप कोई भी कर सकते हैं। वैक्यूम का जो पॉइंट है उसमें ये फ्लेक्सिबल पाइप, वैक्यूम हेड और वैक्यूम टेलीस्कोपिक जो रॉड है ये आपका, ये धीरे धीरे धीरे, ये ध्यान इसमें रखना होता है कि ये रॉड धीरे धीरे आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से अगर आप इसको ऑपरेट करने लगते हैं तो मिट्टी पानी में घुल जाएगी। वापस आपको 1 दिन या 4 से 5 घंटे आपको उसको सेटल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जितना आप इसको ईजिली मूव करेंगे उतना अधिक आपको क्लियर होता जाएगा। हमारे इंजीनियर इसको स्लोली स्लोली मूव कर करके ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी टाइम हुआ है, तो हमारा 70% पूल साफ हो चुका है। जब वेस्ट पर हम फिल्टर को डालते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि पूल का पानी थोड़ा सा खाली होने लगता है। ये देखिए सामने की दीवार से पूल बहुत खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी बहुत अधिक है, तो हमें ये करना होगा। वैसे आप इसको बैक वॉश पे या फिल्टर पे आप भी आप रख सकते हैं। फिल्टर पे रख करके जब आप वैक्यूम करेंगे तो आपके पूल का पानी खाली नहीं होगा। बैक वॉश पे और ड्रेन पे पूल का पानी खाली होगा। तो यहाँ अधिक गंदगी है इसलिए इसको खाली कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा पूल साफ हो चुका है, आप ये देखिए, लेकिन इसमें पानी बहुत अधिक खाली हुआ है, पानी की वेस्टेज बहुत हुई है। इस पूल को वापस हमको टॉप अप करना पड़ेगा पानी से, और जैसे ही टॉप अप करेंगे तो उसके साथ मिट्टी आएगी। जब जब बॉटम में मिट्टी आएगी इसी तरह से वैक्यूम करेंगे, जिस तरह से तरीका हमने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। और वैक्यूम करने के बाद वापस उस वॉल्व को खोल देंगे, जिससे पूल रेगुलर फिल्टर की तरफ चलता रहे।